वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी उन्हां दा पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री अमानतसर साहब। बाज आ बाबा जी आपे जिहड़ा वा उह आ गया कोठे ते बह गया आ के ते अज सानूं इह बाज जिहड़ा वा देण वास्ते आ गया वा भी इह गुरु घर दे विच जिहड़ा वा बाज रहू। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। जिथे एक पासे किसानी मुद्दा भखिया होया है, उधर दूजे पासे सिख पंथ विच गुरु साहिबां जी दे परिवार विछोड़े अते शहीदी गुरपुरब वी पंजाब अते देश विदेश विच मनाए जा रहे हन। धन धन कलगीधर दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे परिवार विछोड़े नूं याद करदे कुछ सिख संगतां इन्हां दिनां विच जमीन अते आसन लगा के सौंदियां हन, और कुछ भगत जन अते गुरु प्यार वालियां संगतां गुरु साहिबां जी दे दर्शनां नूं लोचदियां हन। ते किसी किसी गुरसिख गुरु प्यार वाले नूं गुरु महाराज जी दे दर्शन भी हुंदे हन। गुरु साहिब जी संगतां विच प्यार अते विश्वास कायम रखण दे लई कई थावां ते कई वार अपने नाल रस दियां बस दियां निशानियां दे दर्शन भी करवा दिंदे हन। इवें ही इस जगह ते भी होया जो घटना आप जी दे सन्मुख रखण जा रहे हाँ। धन धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे गुरद्वारा श्री अमानतसर साहिब विखे जिथे धन धन कलगीधर दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे बाज ने दर्शन दिते हन। संगतां ने बड़े ही सत्कार ते प्यार दे नाल बाज दे दर्शन किते हन अते बाज ने संगतां नूं दर्शन दे के निहाल किया है। धन धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी दा चरण सुशोभित गुरद्वारा साहिब है। यह बाज गुरु साहिब जी दे गुरपुरब दे आस पास गुरद्वारा साहिब जी दे कोल इक सिंह दे घर आ गया ते ए बाज ते ओ सिंह इस बाज नूं देख के नमस्कार करन लगा। उसने दस्या कि वह अपने घर उपर बैठा सी ते ए बाज काफ़ी समय तो गुरु घर दे चार फेरे चक्कर मार रहा सी। फिर दो तीन घंटिया तो बाद उपर उड़ के साढ़े कोठे ते आ के मेरे कोल आ के बैठ गया। उस सिंह ने दस्या कि इंज लगता है जिमें यह बाज धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पिता जी का हो गए। उसने दस्या कि बाज द्वारा उड़िया नहीं, तो उसने यह भी दस्या कि इस कारण मैं इस बाज को गुरु तेग बहादुर महाराज जी के अस्थान से लै आया हाँ, और हुण तो ये कलगीधर पिता महाराज जी का बाज इत्थे गुरु तेग बहादुर जी के चरण सुशोभित गुरद्वारा अस्थान से ही रहेगा। एक सिंह ने बाज दे बाबत बड़ी ही गुंझलदार गल कहिंदे होए दस्या कि इस तो पहला कि वीडियो नूं अगे वधाईए गल करदे हाँ अज दे लक्की विनर की। भाई हरप्रीत सिंह जी लुधियाणे तो जिन्होंने पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही जवाब दिता सी उन्हां नूं साडे चैनल वालों इनाम भेट किया गया है। इस वीडियो के विचकार भी सवाल पूछा जाएगा जिसका सही जवाब देण वाले नूं इनाम भेंट किया जाएगा। इसलिए सारी ही वीडियो नूं ध्यान नाल सरवण करो जी। आओ वीडियो नूं अगे वधाउंदे हाँ। उस सिंह ने बड़े ही गुंझलदार गल करते हुए दस्या कि जदों इंदिरा गांधी ने दरबार साहब ते अटैक करवाया सी उस समय सिख संगत विच बहुत ही रोस सी। सिख संगत निरंतर अरदासां करदी सी कि कृपा करके कोई गुरु घर की बेअदबी का बदला लवे। उन्हां दस्या कि उस समय पंजाब के कई अस्थाना ते बाजां ने दर्शन दिते सन। उन्हां यह भी दस्या कि जदों इंदिरा गांधी नूं भाई सतवंत सिंह ते बेअंत सिंह जी ने खत्म किया सी उस समय भाई बेअंत सिंह जी नूं बाज ने दर्शन दिते सन, और जदों भाई कहर सिंह जी उन्होंने दिनों में बंगला साहब गए सन तो गुरद्वारा साहब विच एक बाज उतरिया सी। वह बाज पहला तो गुरद्वारा साहब विच थड़ा साहब से बैठा रहा और बाद विच निशान साहब से जाके बैठ गया, और कुछ देर बाद वह बाज मर के हेठां धरती से डिग पिया। उन्होंने दस्या कि अजिहा कौतक देख के वह समझ गए सन कि यह कोई संदेश देन आया है। यह बाज अजिहा जो घटना वापरी है इस दे पिछे कोई रहस्य जरूर है। तो इस तों कुछ समय बाद ही इंदिरा गांधी की मौत की घटना हो गई सी। सिंघा ने इंदिरा गांधी नूं गड्डी चाढ़ दिता सी। उन्हां कहा हुण जो किसानी मुद्दा छिड़िया होया है इस कारण भी सारा भाईचारा सिख संगत दुखी हुई है। इस लई जिस कारण कई थावां ते गुरद्वारियां विच गुरु साहिब जी दे बाज दे दर्शन दिते हन उस तो यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि हुण किसानां दी जित होवेगी ते बिल जल्दी ही माफ़ कर दिते जाणगे ते ये कानून लागू नहीं हो पाउणगे।
इस तरह इस आवाज ने धन धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी के गुरपुरब के उपर गुरु तेग बहादुर जी के चरण सुशोभित गुरद्वारा साहब विखे दर्शन दिते हैं ते संगतां नूं निहाल किया है। और संगतां नूं बेनती है कि अज धन धन कलगीधर पिता जी परिवार सिंघां दी अज दी इह रात आखरी रात सी जो सारे कलगीधर पिता जी दे परिवार ने आनंदपुर साहिब विच शरीर करके इकट्ठियां गुजारी सी ते अगले दिन ही गुरु साहिब जी ने आनंदपुर साहिब जी नूं छड्ड दित्ता सी। इस तों बाद सारा परिवार खेरू खेरू हो गया ते बिछड़ गया। बहुत ही ज़्यादा मीह ते तूफान आ गया ते आनंदपुर छड्डण तों बाद मुगल फौजां ने गुरु साहिब जी का पिछा किया ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਏ। ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਅਤੇ ਗੰਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦਰਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਗਾਂਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਿਲਾ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਿਲਾ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ।